आज हम ब्रेकफास्ट उसके लिए हमने ये सब सामान लिया। हमने 5 आलू लिए हैं, ये उबाल लिए हैं, आप चाहें तो कच्चे भी ले सकते हैं। और 2 से 3 हरी मिर्चें महीन काट लिए, हरा धनिया है थोड़ा सा, और 2 से 3 जवे लहसुन के कद्दूकस करके रख लिए, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा है ये भी कद्दूकस कर लिया, 1/2 टीस्पून हमने ओरेगैनो लिया है ये आप देख सकते हैं, और 5 अंडे लिए, 2 स्लाइस लिए अमूल के, और 1 चीज बटर चीज लिया, ये हम आलू में मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा हमने 1/4 टेबल स्पून हमने ये है कप 1/4 कप हमने ऑयल लिया, इससे भी कम ही है, हम थोड़ा कम डालेंगे, और नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, काली मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून, और हमने ये 1/2 किलो कीमा लिया है, वैसे हमने उबाल लिया था हल्का सा, इसका पानी हम खुशक करना है, इसी के साथ में हम इसमें मसाले डाल देंगे, पानी भी खुशक हो जाएगा और मसाले भी इसमें अच्छे से पक जाएंगे, तो आप डालते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे। डाल देते हैं और हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, लहसुन इसमें हमने तेल बिल्कुल भी नहीं डाला, इसमें नमक थोड़ा सा उबालते टाइम हमने नमक डाल दिया था थोड़ा सा, तो नमक देख के डालें, और ओरेगैनो हरा धनिया हम बाद में मिलाएंगे, कीमा हमारा खुशक हो जाएगा तब, इसे हम अच्छे से खुशक कर लेते हैं। इधर हमारे पास आलू हैं, इन्हें हम अच्छे से मैश कर लेते हैं, जब तक हमारा ये कीमा खुशक होता है, इसमें हमने तेल बिल्कुल नहीं डाला है अभी, थोड़ा खुशक हो जाए, जब जरा सा बस तेल जाएगा इसमें, ऐसे हाथ से कुछ मोटे कुछ महीन ऐसे ही फोड़ेंगे, हमें ज्यादा महीन नहीं बनाना है बोलता, जैसे समोसे के होते हैं ऐसे ही हमें सारे फोड़ने, आप देख सकते हैं दिखाते हैं आपको, देखिए हमारा कीमा जो है अच्छे से खुशक हो गया, आप देख सकते हैं, तो हमने इसमें बिल्कुल भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया, तो गोश्त का ही इसमें बहुत ऑयल है, तो हम ऑयल नहीं डालेंगे इसमें, नहीं तो वो अच्छा नहीं होगा, इसीलिए कि हमने पहले गला लिया था कीमे को, 5 से 6 सीटियां लगा दी थी, देखिए हम इसमें एक टीस्पून हम काली मिर्च पाउडर डाल देंगे लेवल में, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली है, तो 1/2 टीस्पून हमने डाल दिए काली मिर्च, 1 टीस्पून तेज हो जाएंगे, तो हमने बच्चों की वजह से 1/2 टीस्पून डाल दी, मिर्चें भी थोड़ी तेज वाली थी हमारी हरी मिर्च जो थी, इसे अच्छे से मिला देते, इसमें हमने नमक नहीं डाला है, क्योंकि नमक हमने उबलते में डाल दिया था 1/2 टीस्पून, तो इसलिए नमक बिल्कुल ठीक है इसमें, तो चूल्हे को हम बंद कर देते हैं, वैसे थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इधर हमने आलूओं को आप देख सकते हैं मैश कर दिया, ये देखिए कुछ मोटे हैं कुछ महीन हैं, और जो थोड़े से मोटे हैं उनको भी थोड़ा सा आप ऐसे ही तोड़ लें, ज्यादा महीन ना करें, तेल हमारा ऐसी का ऐसी रह गया ये, तो क्योंकि उसमें ऑयल बहुत है, तो हम जब केक बनाएंगे तो ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख सकते हैं करीब से बहुत ऑयल छोड़ दिया गोश्त ने, तो इसीलिए स्किप कर दिया हमने। देखिए हमारे आलू तैयार हैं, अब हमने ये मोजरेला चीज ली है, ये घिसी हुई ऐसे ही आती है मार्केट में, राइस की तरह कटी हुई, ये ऐसे ही मिलता है बाजार में, हर चीज की आसानी हो गई है मार्केट में, तो हम जो हमारे पास ये चीज है इसे अलग रख देते हैं, इसको हम आलूओं में मिक्स कर लेंगे, इससे बहुत ही अच्छा क्रीमी सा टेस्ट आ जाएगा, ये देखिए, तो इसे हम कद्दूकस कर लेते हैं, कद्दूकस कर लेते हैं इसे, वैसे ये कद्दूकस अभी मिलता है, आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन ये ठीक रहता है, आप अपने हिसाब से, ये देखिए
इतना महीन महीन से लच्छे बन रहा है। जो हम इसे यूज करते हैं इसका मजा बहुत ही अच्छा होता है, बटर के जैसा मलाई क्रीमी क्रीमी सा, तो अमूल चीजी बटर होता है ये, तो ये मक्खन नहीं होता है, आप ये बटर इसे बोलते हैं, बाजार में आसानी से मिल जाता है। तो इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं इसके अंदर, इसमें अभी और कुछ नहीं जाएगा, जब हम इसमें अंडा है हमारे पास उसे भी हाथ के हाथ ही मिला लेते हैं, जो हमने अंडे लिए हैं। इसे अंडा को फेंट लेते हैं अच्छे से, 5 अंडे लिए हमने, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 5 अंडे लिए, इसे फेंट लेते हैं अच्छे से। देखिए हमने अंडे जो है फेंट लिए, तो हम इसमें आलूओं में डाल देंगे, इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये देख लीजिए अंडे को हम अच्छे से मिला लेते हैं, और इसमें नमक डाल देते हैं, आधा टीस्पून नमक डाल देते हैं इसमें आलूओं के हिसाब से, जितने आलू हैं, और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए हमने अच्छे से अंडा जो है इसमें आलूओं में मिला लिया, और नमक भी, तो हम इधर परेशान रख लेते हैं, और ये जो कीमा है हमारे पास इसमें हम धनिया मिला लेते हैं, हरा धनिया खूब सारा, थोड़ा सा ठंडा करने के बाद डाला है हमने हरा धनिया, ताकि वो हरा हरा रहे, उसका कलर चेंज ना हो, इसीलिए। देखिए हमने अच्छे से मिला दिया है सारा इसमें हरा धनिया जो है, और कीमा हमारा थोड़ा ठंडा भी हो गया, इधर हमने फरेफान ले लिया है। आप चाहे तो मोजरेला चीज के बजाय खाली चीज स्लाइस भी रख सकते हैं आप, और हमने दोनों ही चीजें ले ली है, तो चूल्हा जला लेते हैं। देखिए हमने फरेफान ले लिया, तो इसी में ही हम बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा हम तेल डाल देंगे, जो हमने इसमें डालने के लिए कीमे में निकाला था वही हमने तेल डाल दिया इसमें, तो हम इसके चारों तरफ करते हुए सब में फैलाते हुए ऑयल को लगा देंगे। ये हमारा ब्रेकफास्ट केक बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा रहता है, या आप डिनर में खाएं या लंच में बना के खाएं। आप इसमें आधा डाल देते हैं इसमें आलू अंडे का बैटर जो है, इसको फैला देंगे अच्छे से मोटा मोटा, ये देखिए हमने एक लेयर लगा दी है, अब इसके साथ साथ हम इसमें कीमा डाल देंगे, बिस्मिल्लाह। आप चाहे तो हाथ से भी डाल सकते हैं जल्दी से, सब में फैलाते हुए कीमा को जो है फैला दिया अच्छे से, आप देख सकते हैं। स्लाइस चीज रख देंगे, और अब इसके ऊपर से हम ये मोजरेला चीज डाल देंगे, आपके पास एक चीज हो तो आप एक ही का यूज कर सकते हैं, 4 से 5 स्लाइस चीज रख सकते हैं।
हम दोनों चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए हमने इसके लेयर लगा दिए, अब हम फिर से इसमें कीमा जैसे हम इसमें कीमे की लेयर लगा देंगे। इसे भी अच्छे से हम फैला देंगे हल्के हाथ से। फिर से एक चीज स्लाइस रख देंगे और मोजरेला चीज डाल देंगे सारी। ये हमने पूरा आधा से ज्यादा पैकेट था हमारे पास तो वो हमने पूरा डाल दिया। अब इसके ऊपर फिर से हम ये बैटर डाल देंगे जो आलू का बैटर है। ये देखिए हमने सारा आलू और अंडे का बैटर सारा डाल दिया है। अब इसे अभी हम फैला देते हैं चारों तरफ सही करके, कवर कर देते हैं पूरा, ढक देते हैं। जैसे हमने अच्छे से कवर कर दिया आप देख सकते हैं, तो अब हम इसे पकने के लिए रख देते हैं। देखिए मीडियम आंच पे हम 7 से 8 मिनट इसे पकाएंगे मीडियम आंच पे, और फिर दिखाते हैं 7 से 8 मिनट के बाद। देखिये इस पे हम इसको कवर कर देते हैं और दिखाते हैं 7 से 8 मिनट के, 6 से 7 मिनट हो गए इसे पकते हुए। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा हो गया ये, इसकी किनारियां भी छूटने लगी हैं। देखिए तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर से हम ऑयल डाल देते हैं। इसे एक प्लेट रख लेते हैं, प्लेट रख के और इसको पलट लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। वाह कितना अच्छा लग रहा है ये, देखिए कितना बेहतरीन सा लग रहा है ये। और ऐसे ही हम दूसरी तरफ से भी हम कर लेंगे, पलट के सेक लेंगे। तो ऑयल डाल देते हैं हम इसमें भी, थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे हम। आप चाहें तो इसमें बटर या घी भी लगा सकते हैं। ये देखिए हमने फिर से ऑयल डाल दिया है इसमें, अच्छे से चारों तरफ भी लगा देते हैं ताकि अच्छे से सिक जाइए। इसे हम वापसी से थोड़े पैन में कर देंगे। वाह कितना अच्छा लग रहा है ये, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है। तो वापसी हम चूल्हे पे रख देते हैं इसे, फिर से 6 से 7 मिनट लगेंगे इसे दूसरी तरफ से भी अच्छे से पकने में। तो हम इसे फिर से ढक देते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। मीडियम आंच पे ही पकाएंगे हम इसे, तेज आंच नहीं करें नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और पकेगा नहीं। देखिए ढक दिया हमने, फिर से 6 से 7 मिनट के बाद फिर दिखाते हैं आपको। देखिए 5 से 7 मिनट हो गए और चूल्हे को हम बंद कर देते हैं और दिखाते हैं प्लेट में निकाल के आपको। कितनी अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में भी ये। फिर से हम इसमें प्लेट में कर लेते हैं इसे और फिर से पलट लेते हैं बिस्मिल्लाह करके। वाओ कितना अच्छा लग रहा है आप देख सकते हैं। अगर जो आप चाहें तो इसमें कलर देना तो आप कलर भी दे सकते हैं, इसमें हल्दी का कलर दे सकते हैं, ये लाल मिर्च डाल सकते हैं कुटी हुई तो उसका कलर दे सकते हैं। तो हमने कोई कलर नहीं दिया, ऐसा ही बनाया है बिल्कुल। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्पंजी सा बना है ये, बहुत ही बढ़िया।
अगरचे आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी हमारी रेसिपी। अगरचे आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसीलिए बेल आइकन दबाना ज़रूरी है और सब्सक्राइब भी करना ज़रूरी है और शेयर भी ज़रूर करिए और ऐसे ही कमेंट करते रहिए। आप सबके लिए हम ऐसे ही नई नई चीज़ें लाते रहेंगे और काट के दिखा देते हैं आपको। बिस्मिल्लाह, देखिए कितना बेहतरीन और कितना अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये मोजरेला चीज डाली है हमने, वो सारी लिक्विड हो रही है। ये देखिए कितना गर्म सा और कितना बढ़िया लग रहा है, ये देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा अच्छा, और खाने में भी इतना ही अच्छा लगेगा ये। अगरचे आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी हमारी रेसिपी। और फिर मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।